हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर एनवायरनमेंट चैप्टर के 15.2। सो हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। वी आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का चेंज आएगा तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। We have already seen in class 9th how our activities pollute the environment. In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal. So, 9th में भी हम कुछ पढ़ चुके हैं environment के बारे में, और इस बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो specifically दो problems हैं, एक है ozone layer और एक है waste disposal. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओजोन लेयर से, 15.2.1, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, व्हाइल O2 व्हिच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अगर हम ओजोन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ओजोन इज रिप्रेजेंटेड बाय O3 एंड ऑक्सीजन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, सो ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल है सभी उन लाइफ फॉर्म्स के लिए जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजनस, लेकिन अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन एक डेडली पॉइजनस है। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन जो है वो ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए डेडली जरूर है, लेकिन ओजोन लेयर जो है वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड में पाई जाती है, वहां तक हम लोग पहुंचते नहीं है। एंड उस ऑल्टीट्यूड पे ओजोन का जो फंक्शन है जो कि ह्यूमंस के लिए एसेंशियल है वो ये कि ओजोन लेयर सन से यूवी रेज जो अर्थ में पहुंचती हैं उनसे हमें बचाती हैं। ठीक है, यूवी रेज से हमें बचाने का जो काम है वो किसका है? ओजोन लेयर का। This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancers in human beings. So, UV radiations जो हैं ये organisms के skin को damage कर देती है, skin में cancer जो है उसे पैदा कर देती है। So, ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on the oxygen molecule. The higher energy UV radiation splits apart some molecular oxygen which is O2 into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे एनवायरमेंट में जो O2 होता है जब वो यूवी के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो दोनों O है ये स्प्लिट कर जाते हैं। यहां पे तो ये कंबाइन हुए हुए हैं लेकिन यहां पे ये स्प्लिट होके इंडिविजुअल बन जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इनमें से एक ओ जो है वो फर्दर एक O2 के साथ अटैच करके O3 यानी कि एक ओजोन लेयर की जो फॉर्मेशन करता रहता है। नाउ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons which are used as refrigerants and in fire extinguishers. In 1987, the United Nations Environment Programme, which is UNEP, succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC-free refrigerators throughout the world. अब ये जो ओजोन लेयर है इसकी जो इसकी लेयर है वो बहुत ही शार्पली रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी 1980s में। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ये केमिकल जो है ये एक मैन मेड केमिकल है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या किया गया, 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इस चीज को एक पॉलिसी में कन्वर्ट किया कि अब से कोई भी कंपनी जो है वो अपने CFCs के जो लेवल है वो 1986 के लेवल से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। यानी कि जब ये रूल पास हुआ तो उससे पिछले साल तक जितने CFCs यूज होते थे अब उतने ही CFCs यूज होंगे, उससे ज्यादा
कोई भी कंपनी इस चीज को फोर्स में नहीं लेके आ पाएगी। एंड साथ ही साथ मैंडेटरी भी किया गया कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो जल्द से जल्द अपने जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको सीएफसी फ्री बनाएं। सो आज के डेट में जितने भी हमें रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं वो सारे के सारे सीएफसी फ्री होते हैं। एक्टिविटी 15.4 एंड 15.5 करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 15.2.2 मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अभी जो एक्टिविटीज है ये करने की जरूरत क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं आपके एग्जाम में एंड ना ही आपके क्लास में पूछे जाएंगे। सो मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, इन आर डेली एक्टिविटी वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटीरियल दैट आर थ्रोन अवे। वट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटीरियल, वट हैपन आफ्टर वी थ्रो दैम अवे, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। सो कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको आगे एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि हम जो वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं यानी कि जो हमारे घर पे वेस्ट मटीरियल बनता है वो या तो होता है बायोडिग्रेडेबल या फिर होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल के साथ कैसे डील करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ कैसे डील करना है, वही आपको आगे बताया है। सो उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेसेस that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? Enzymes are specific in their function. Specific enzymes are needed to break down of a particular substance. अब जैसे कि हमने life processes में पढ़ा था कि जो हमारा digestive system होता है वो हमारी body के अंदर गया जो food है उसको ज्यादातर digest कर लेता है, लेकिन क्या हमारी body यू नो आयरन को या फिर आई कैन से कॉपर को प्लास्टिक को इन सब चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सारे के सारे सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of the bacteria or other saprophytes will not be broken. So, these materials will be acted upon the physical processes like heat and pressure, but under the ambient condition found in the environment, these persist for a long time. So, अगर कोल है या फिर प्लास्टिक है, अगर हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है तो हम क्या करेंगे? हम फिजिकल प्रोसेसेस करेंगे, हम हीट हम प्लास्टिक को हीट देंगे, प्रेशर देंगे और ऐसे में उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है वो बहुत ही एम्बियंट होती है, यानी कि धीमे धीमी सी उनकी कंडीशंस होती हैं। टेम्परेचर राइज करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा, प्रेशर राइज करेगा, धीरे धीरे करेगा। जहाँ पे जो जो यू नो हीटिंग का जो प्रोसेस है फिजिकली अगर हम करते हैं स्टोव के ऊपर, जो काम एक मिनट में हो सकता है उसी काम को करने के लिए अगर हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर किसी चीज को करने के लिए हमें 10 मिनट लगे, ठीक है, सॉरी हाँ जी, हमें अगर 10 मिनट लगे तो कितना टाइम लग जाएगा? दैट डिपेंड्स अपॉन दी डिग्री ऑफ आर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे को बटर मेल्ट कराना है तो अगर हम रखेंगे हमारे स्टोव के ऊपर तो बटर जो है वो आई होप मेल्ट कर जाएगा विद इन 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट इज इनफ। लेकिन अगर हमें एनवायरमेंट में उसको मेल्ट कराना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक पहली बात तो रात को वो अच्छे से मेल्ट होगा नहीं, देन हमें दिन तक की वेट करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड दिन में भी जब मेल्ट होगा सो इट विल इजीली टेक 15 to 20 मिनट्स। अब हम बात करते हैं दाल पकाने की। हमें दाल पकानी है तो अगर हमें जो हमारा स्टोव है उसमें हमने गैस ऑन किया एंड कुकर में हमने दाल कुक की, सो इट विल टेक हार्डली हाउ मच टाइम, 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें चने की दाल बनानी है और वो जो दाल है वो हमें बनानी है सोलर एनर्जी से, ठीक है, ऐसे ही पड़े पड़े, कोई सोलर कुकर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़े पड़े, तो क्या कभी दाल बन जाएगी? कभी भी दाल नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो उसी कंडीशन के बारे में यहां पे बात की है, एम्बिएंट कंडीशन के बारे में, जो कि बहुत ही धीमे धीमे से होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ही लॉन्ग टाइम लग जाता है। सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। हाउ मेनी ऑफ दी सब्सटेंसेस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल। तो वो सब्सटेंसेस जिन्हें के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन किया जा सकता है उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस।
Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable substances. And वो substances जो के biological processes से degrade नहीं हो पाते हैं तो उनको हम बोलते हैं non-biodegradable substances. These substances may be inert and simply persist in environment for a long time and may harm the various members of the ecosystem. अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, ये इनर्ट भी हो सकते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हो. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की, जिसकी आप लोगों की कटलरी होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग आपके स्पून्स हैं, आपके नाइफ्स हैं या फिर आपके फोक हैं, वो सारे के सारे बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के, तो वो इनर्ट होते हैं. आप जितनी मर्जी देर उसको हमारी जो हमारी सॉइल है उसके अंदर आप बरी करके रखो, आप बाद में भी उसको निकालोगे तो वो डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं होगी. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन जो है वो डिग्रेड तो होना स्टार्ट हो जाएगा बट वो बहुत ही लंबे टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में परसिस्ट करेगा और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम. और अगर ये फोक, ये नाइफ या फिर वो लोहे का जो पार्ट है, अगर वो हमारे इकोसिस्टम के किसी मेंबर ने खा लिया, ठीक है, यानी कि किसी एलिफेंट ने खा लिया या फिर किसी लेपर्ड ने खा लिया, ठीक है, किसी ने भी उस चीज को खा लिया, निगल लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि उनको भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा. सो अब यहां पे हमें एक थॉट देने के लिए इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना पड़ेगा. विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस. Visit any place of tourist interest and we are sure to find place littered with empty food wrappers. In the earlier classes, we have talked about this problem of dealing with garbage that we generate. So, आप लोग देखेंगे अगर आप किसी भी विजिटिंग प्लेस में जाएंगे तो वहां पे आपको गार्बेज के हीप नजर आ जाएंगे या फिर फूड के जो रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर, चॉकलेट के रैपर्स, फ्लेवर्ड मिल्क के रैपर्स, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको वहां पे दिख जाएंगी. एंड ऑब्वियसली आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को कभी भी ओपन में लिटर नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा डस्टबिन के अंदर ही चीजों को डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एनवायरमेंट में ओपनली इस चीज को लिटर कर देते हो तो वहां पे आके कोई भी उस चीज को खा सकता है, ठीक है, मक्खियां खा सकती हैं, मॉस्क्यूटोज खा सकते हैं, देन अगर मक्खियां खाएंगी तो वो उस गंदे खाने में बैठेंगी और फिर उसके बाद जो आपका फ्रेश खाना होगा उसमें भी बैठ जाएंगी और ऐसे में आप लोगों को फूड पॉइजन हो सकता है, ठीक है, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी बुरी आदतें आपको होंगी देन आपको या आपके किसी ना किसी चाहने वाले को इस चीज को भुगतना पड़ेगा, ठीक है. सो कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी लिटर ना करें, ठीक है. एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो फूड रैपर्स वगैरह हैं उनकी वजह से ये होता है. और अगर एनवायरमेंट में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि उसको निगल ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्क्विरल जो है वो आपके गिरे गए चॉकलेट का जो रैपर है उसको खा जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि उसके अंदर प्लास्टिक जो है वो चला जाएगा. इफ यू डोंट नो, अभी रिसेंटली एक जो डेड वेल है वो मिली थी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर बैक, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब चेक किया गया कि व्हाई शी हैज बीन डाइड इन द बीच, तो वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर 20 केजीज ऑफ प्लास्टिक बैग मिले थे. नाउ जस्ट इमेजिन के इंसान की बेवकूफी की वजह से एक इतना बड़ा जो मैमल है वो मारा गया, ठीक है, 20 केजीज ऑफ प्लास्टिक, जस्ट इमेजिन के कितना ज्यादा होता है जब आपके पेट के अंदर वो चला जाए, ठीक है. तो ऐसी जो गलती है वो हमें कभी भी नहीं करनी है. हम अगर किसी को लाइफ नहीं दे सकते हैं तो किसी की डेथ करने का भी राइट हमारे पास नहीं है. अगर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं तो किसी को इंजर करने का भी राइट हमारे पास नहीं है, ओके. सो आप कभी भी इस चीज को, मतलब जो भी आपका गार्बेज वगैरह होगा, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप कभी भी उसको ओपन में लिटर नहीं करेंगे, आप हमेशा और हमेशा आप उसको डस्टबिन में ही डालेंगे,